नीलम कोठारी। तो हेलो दोस्तों, आज हम नीलम कोठारी के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1969 को ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था। नंबर वन, साल 1984 में नीलम कोठारी की पहली फिल्म आई जवानी। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर, नीलम कोठारी, नवीन निश्चल, मौसमी चटर्जी, करण शाह और अनुपम खेर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर टू, साल 1986 में इनकी फिल्म आई लव 86। इस फिल्म में गोविंदा, नीलम कोठारी, तनुजा, रोहन कपूर और फरानाज नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर थ्री, इसी साल 1986 में इनकी फिल्म आई इल्जाम। इस फिल्म में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, नीलम कोठारी और अनीता राज नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर फोर, साल 1987 में इनकी फिल्म आई आग ही आग। इस फिल्म में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम कोठारी और मौसम चटर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर फाइव, इसी साल 1987 में इनकी फिल्म आई खुदगर्ज। इस फिल्म में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, नीलम कोठारी, भानु प्रिया और अमृता सिंह नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर सिक्स, इसी साल में इनकी फिल्म आई सिंदूर। इस फिल्म में शशि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा और नीलम कोठारी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेम हिट रही। नंबर सेवन, साल 1988 में इनकी फिल्म आई घर में राम गली में शाम। इस फिल्म में गोविंदा, नीलम कोठारी और अनुपम खेर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर एट, इसी साल 1988 में इनकी फिल्म आई खतरों के खिलाड़ी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, नीलम कोठारी और माधुरी दीक्षित नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर नाइन, इसी साल 1988 में इनकी फिल्म आई हत्या। इस फिल्म में गोविंदा, नीलम कोठारी और अनुपम खेर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर टेन, इसी साल 1988 में इनकी फिल्म आई वक्त की आवाज। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी और नीलम कोठारी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 11, इसी साल 1988 में इनकी फिल्म आई पाप की दुनिया। इस फिल्म में सनी देओल, नीलम कोठारी, प्राण, डैनी और चंकी पांडे नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 12, साल 1989 में इनकी फिल्म आई ताकतवर। इस फिल्म में संजय दत्त, गोविंदा, नीलम कोठारी और अनीता राज नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 13, इसी साल में इनकी फिल्म आई दो कैदी। इस फिल्म में गोविंदा, संजय दत्त, नीलम कोठारी, फराह, रंजिता कौर और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 14, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई हम भी इंसान हैं। इस फिल्म में संजय दत्त, जॉकी श्रॉफ, राज बब्बर, जया प्रदा, नीलम कोठारी और सोनम नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 15, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई दोस्त गरीबों का। इस फिल्म में गोविंदा, नीलम कोठारी, सुमित सहगल, रजा मुराद और विजय अरोड़ा नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 16, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई मिट्टी और सोना। इस फिल्म में चंकी पांडे, विनोद मेहरा, नीलम कोठारी, सोनम और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 17, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई फर्ज की जंग। इस फिल्म में गोविंदा, शशि कपूर, नीलम कोठारी और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 18, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई जख्म। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम कोठारी और माधवी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 19, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई बिल्लू बादशाह। इस फिल्म में गोविंदा, नीलम कोठारी, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा और कादर खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेम हिट रही। नंबर 20, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई घराना। इस फिल्म में ऋषि कपूर, गोविंदा, जया प्रदा, नीलम कोठारी और मीनाक्षी शेषाद्री नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 28, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई घर का चिराग। इस फिल्म में राजेश खन्ना, चंकी पांडे और नीलम कोठारी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 22, साल 1990 में इनकी फिल्म आई दूत का कर्ज। इस फिल्म में जॉकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, अरुणा ईरानी और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 23, इसी साल 1990 में इनकी फिल्म आई चोर पे मोर। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, करण शाह, नीलम कोठारी और सोनम नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 24, इसी साल 1990 में इनकी फिल्म आई अमीरी गरीबी। इस फिल्म में जितेंद्र, रेखा, ऋषि कपूर, नीलम कोठारी, राज बब्बर और पूनम ढिल्लो नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 25, इसी साल 1990 में इनकी फिल्म आई अग्निपथ। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठारी और डैनी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 26, इसी साल 1990 में इनकी फिल्म आई प्यार का कर्ज। इस फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री, नीलम कोठारी और सोनम नजर आए थे।
ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1991 में इनकी फिल्म आई विष्णु देवा। इस फिल्म में सनी देओल, आदित्य पंचोली, नीलम कोठारी और संगीता बिजलानी नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 28, इसी साल 1991 में इनकी फिल्म आई शंकरा। इस फिल्म में सनी देओल, नीलम कोठारी, परेश रावल और शक्ति कपूर नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 29, इसी साल 1991 में इनकी फिल्म आई रणभूमि। इस फिल्म में जितेंद्र, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, डिंपल कपाड़िया और नीलम कोठारी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 30, इसी साल 1991 में इनकी फिल्म आई इंद्रजीत। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, नीलम कोठारी और कुमार गौरव नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 31, इसी साल में इनकी फिल्म आई अफसाना प्यार का। इस फिल्म में आमिर खान, नीलम कोठारी, दीपक तिजोरी और नीता पुरी नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 32, इसी साल 1991 में इनकी फिल्म आई प्रतिज्ञाबद्ध। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, कुमार गौरव, नीलम कोठारी और सुनील दत्ता नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 33, इसी साल 1991 में इनकी फिल्म आई धर्म संकट। इस फिल्म में विनोद खन्ना, अमृता सिंह, नीलम कोठारी और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 34, साल 1992 में इनकी फिल्म आई कसक। इस फिल्म में ऋषि कपूर, नीलम कोठारी और चंकी पांडे नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 35, इसी साल 1992 में इनकी फिल्म आई एक लड़का एक लड़की। इस फिल्म में सलमान खान, नीलम कोठारी और अनुपम खेर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 36, इसी साल 1992 में इनकी फिल्म आई खुलेआम। इस फिल्म में शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, चंकी पांडे, नीलम कोठारी और मौसमी चटर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 37, इसी साल 1992 में इनकी फिल्म आई साहबजादे। इस फिल्म में संजय दत्त, नीलम कोठारी और आदित्य पंचोली नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 38, इसी साल 1992 में इनकी फिल्म आई लाट साहब। इस फिल्म में जॉकी श्रॉफ, नीलम कोठारी और मोहसिन खान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 39, साल 1993 में इनकी फिल्म आई परंपरा। इस फिल्म में सुनील दत्त, विनोद खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, नीलम कोठारी, रवीना टंडन, अश्विनी भावे और राम्या कृष्णा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 40, इसी साल 1993 में इनकी फिल्म आई अंतिम न्याय। इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा, नीलम कोठारी, आलोक नाथ, जॉकी श्रॉफ और तनुजा नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 41, इसी साल 1993 में इनकी फिल्म आई संतान। इस फिल्म में जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, नीलम कोठारी और दीपक तिजोरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 42, साल 1995 में इनकी फिल्म आई सौदा। इस फिल्म में सुमित सहगल, विकास भल्ला, नीलम कोठारी और सईद जाफरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 43, साल 1996 में इनकी फिल्म आई एक था राजा। इस फिल्म में आदित्य पंचोली, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, प्रतिभा सिन्हा, नीलम कोठारी और इंद्राणी बैनर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 44, इसी साल में इनकी फिल्म आई जोरदार। इस फिल्म में गोविंदा, मंदाकिनी, नीलम कोठारी और आदित्य पंचोली नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 45, साल 1998 में इनकी फिल्म आई मोहब्बत और जंग। इस फिल्म में मोनिश बहल, भरत कपूर, कमला सदाना, नीलम कोठारी और दीपक तिजोरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 46, इसी साल 1998 में इनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान नजर आए थे। ये फिल्म में नीलम कोठारी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। नंबर 47, साल 1999 में इनकी फिल्म आई हम साथ साथ है। इस फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और मोनिश बहल नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी थी। नंबर 48, साल 2001 में इनकी फिल्म आई कसम। इस फिल्म में सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, नीलम कोठारी और सोनू वालिया नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। तो दोस्तों, यह था नीलम कोठारी का कंप्लीट फिल्मी सफर। आपको इनकी कौन सी मूवी पसंद आई हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगला वीडियो किस एक्टर पर देखना पसंद करते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।